हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में। कक्षा 8वीं की साइंस देख रहे हैं, तो इसमें अभी तक हम लोग 11 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 12वां चैप्टर है, घर्षण। तो इसे अच्छे से सुनिए, लास्ट में जो भी इसका निष्कर्ष होता है, यानी कि इस अध्याय का जो निचोड़ होता है, वो बता दिया जाता है। ठीक है, तो आराम से बने रहिए। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते हुए देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है, आप भी ब्रेक लगाकर अपने साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में भी मंद हो जाती है। जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया हो, अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने अथवा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। ठीक है, घर्षण बल क्रियाकलाप 12.1। याद रखिए, इस तरह के जो भी क्रियाकलाप होते हैं, आपको पढ़ के, बड़े ध्यान से पढ़ के निकल जाना है। इसमें ज्यादा रुकिए मत, जो भी चैप्टर है आपकी पढ़ के निकलना है, दिमाग ज्यादा मत लगाना है। ठीक है, मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से इस तरह धकेलिए। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराएं। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना आवश्यक चाहिए? इस बल को ही क्या कहते हैं? घर्षण बल। आपने देखा है कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं, तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं, तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। याद रखना, घर्षण बल की एक विशेषता है कि वह लगाए गए बल का विरोध करता है हमेशा। उपयुक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? आइए इसका भी हम लोग पता लगाते हैं। घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। क्रियाकलाप 12.2। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। अब ईंट पर पॉलीथिन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपयुक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या पाया? कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रकार प्रसार की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिणाम प्राप्त होता है। चलते हैं आगे हम लोग। क्रियाकलाप 12.3। किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं।
आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी की नोट कीजिए। इस दूरी को नोट कीजिए। तब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट ना हो। उपयुक्त क्रियाकलाप को फिर से दोहराइए। मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। समस्त क्रियाकलाप में आनत समतल कठनांक समान रखिए। किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती हैं? इसका कारण जानने के लिए प्रयास कीजिए। अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो दिखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताओं एक दूसरे के भीतर धस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंत अंतःबंधन पर पार पाने के लिए बहुत कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरी रोच पेस्टों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं। अतः यदि पेस्ट रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। कोष्ठक का पेस्ट, मेज का पेस्ट, पेस्टीय अनियमितताएं। हमने यह सीखा है कि दो पेस्ट के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पेस्टों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आप इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है, विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना? किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण बल पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थितिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स आपका सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पेस्ट के संपर्क बिंदुओं को इतना समय नहीं मिलता पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदु में धस सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। यहाँ आप एक साधारण सा नियम है कि कोई काम करते समय अगर कोई बिजनेस भी कर रहे हैं आप लोग तो ज्यादा टाइम लगेगा, उस पर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। और जो आपका बिजनेस चल रहा हो उसे आगे बढ़ाने में या उसी को आगे खींचने में कम समय और कम बल कम दिमाग लगाना पड़ेगा। साधारण सा है, ठीक। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए कि किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है तो क्या उसे हाथ में पकड़ पाना आसान होगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा? जरा सोचिए, यदि घर्षण ना हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले
हर सदबा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण ना होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं। जब आप शिक्षक चाक से श्याम पट पर लिखते हैं तो श्याम पट का रोच पेस्ट रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है। घर्षण के कारण दीवार में कील गड़ जाती है, श्यामपट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट पट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क अथवा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण ना होता तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती थी, ना ही उन्हें रोका जा सकता था, ना ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहां घर्षण ना हो। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते, धागे में गांठ नहीं बांध पाते, घर्षण के बिना कोई भवन नहीं हो सकता था, घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। ये तो आपकी प्रॉफिट थे, ठीक है, यानी कि लाभ। हानिकारक क्यों है घर्षण? घर्षण के कारण कारण वस्तु घिस जाती है, चाहे वो पैंच, बॉल, बैरिंग अथवा जूतों के सोल ही क्यों ना हो। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियां देखी होंगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। आप क्या अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पेस्ट से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। देखिए चित्र को। घर्षण के कारण माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है। अगर घर्षण ना होता तो आप माचिस भी ना जला पाते, तीली भी ना जला पाते। समझ में आया? अब बात करते हैं घर्षण बढ़ाना या फिर घटाना। पिछले अनुभाग में आपने देखा है कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? खांचे जूतों की फर्श से पकड़ जा बनाते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों, बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। जूते टायरों की तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण रहित किया जाता है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहियों को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सकें। व्यायामी जिमनिस्ट अपने हाथों पर कोई रोक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सकें। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहते हैं। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाजे के कब्जों यानी कि चूलों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मिस्त्री इन मशीनों की गतिशील भागों के बीच ग्रीज लगाते हैं। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल ग्रीज
अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों भागों के बीच लगाते हैं तो वहां उन इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंताबंधन का अंतापासन काफी सीमा तक दूर हो जाता है। गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग ना करने की सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। सतह ये चिकनाई या फिर सतह दूसरी स्नेहक का प्रभाव देखिए। घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता है। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता है, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है, ऐसा क्यों? आइए पता करते हैं। देखिए क्रियाकलाप 12.4। बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिल लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए। इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। आप अब पुस्तक को धकेलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लौटनिक गति कहते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है? क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते देखा हो? इस तरह से जब आप एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लौटने घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना गया? क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में घर सरपण को बाल बैरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों और साइकिलों में धुरी तथा नाभि हब के बीच बाल बैरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण हैं। आपके बाल बैरिंग घर्षण कम कर देती है। अब बात करते हैं तरल घर्षण। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाते हैं। इसी प्रकार जल अथवा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? कर्षण। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियां तरल में गति करती हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। आपने इन आकृतियों के बारे में
कक्षा 6वीं में अध्ययन किया था। वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए। क्या आप इसकी आकृति किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। एक हवाई जहाज और एक पक्षी की आकृति में समानता। तो इसमें आपने क्या क्या जाना है? बाल, बैरिंग, कर्षण, तरल घर्षण, संघर्षण, अंताबंधन, स्नेहक, लौटनी घर्षण, सरपी घर्षण, स्थितिक घर्षण। इन्हीं शब्दों को मैं जानना था, ठीक है? आपने क्या सीखा? घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों को चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। स्थितिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति में से गति में लाने का प्रयास करते हैं। सरपी घर्षण तब कार्य करता है करना प्रारंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सरपी गति करती है। सरपी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बजाय बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली, वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। कभी कभी घर्षण अवांछनीय होता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लौटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। लौटनिक घर्षण सरपी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। इसी अध्याय से संबंधित ये आपके क्वेश्चंस हैं, इन्हें देख लेना। तो आपकी जो PDF है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध है, डाउनलोड करके रख लीजिए। कभी जरूरत पड़ती है तो पढ़ते रहना उसी से। तो ये था आपका 12वां चैप्टर। 13वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ध्वनि के बारे में।